आप सभी को अपने चैनल किरण क्रिएशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बेबी शो बनाने वाली हूँ। यह मैं 6 मंथ से लेकर 1 ईयर बेबी के लिए बनाई हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं 2 कलर का बनाई हूँ। सेम डिजाइन सेम पैटर्न है, पर इसमें मैं मोती अटैच कर दी हूँ। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कलर का ऊन ली हूँ और 10 नंबर का स्टिक ली हूँ। हम बुनना स्टार्ट करते हैं। ये 35 फंदे मैं ली हूँ। यह 6 मंथ से लेकर और 1 ईयर बेबी तक का आराम से हो जाएगा। देखिए हम कैसे बुनते हैं। आगे से स्टिक को फंदे में डालना है, फिर सीधा करके हमको उतार लेना है, फिर आगे फंदा करना है, फिर एक उल्टा बुनना है, इसको भी उल्टा बुन लेना है। इस सारे लाइन को हमको उल्टा बुन लेना है, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी हमको उल्टा ही बुनाई करना है। 2 लाइन हमको ऐसे उल्टा बुन लेना है, रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी। चलिए 2 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। दो लाइन मेरा कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अभी ये मेरा रॉन्ग साइड है, अभी मैं राइट साइड आ गई हूँ। अभी यहाँ से हमको फंदा ऐड करना है, यानी फंदा बढ़ाना है। देखिए कैसे फंदा बढ़ाते हैं। इसको हमको सीधा उतार लेना है, शुरू के फंदे का ऐसे ही सीधा करके हाफ लाइन में उतार लेना है। अभी उल्टा बुनना है, 2 हो गया। अभी यहाँ पे पीछे धागा करना है, ऐसे अंगले में धागा को फंसा कर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है। अभी आगे धागा कर लेना है, 1। देखिए ये मैं एक उतारी थी, एक बुनी थी, एक फंदा बढ़ाई थी, एक बुनाई की हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 15 फंदा मैं कंप्लीट कर ली हूँ। एक उतारी थी और एक बुनी थी, एक बढ़ाई थी। अभी 15 फंदा उल्टा मैं बुन ली हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी यहाँ पे धागा को हमको पीछे करना है, फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। फिर धागा को आगे करना है, यहाँ पे मार्क के लिए, यहाँ पे मार्क के लिए हमको ये सेफ्टी पिन लगा लेना है। फिर यहाँ पे हमको उल्टा बुनाई करना है। ताकि हर लाइन में फंदा बढ़ाने में आसानी हो, काउंट ना करना पड़े। इसको बुन लेना है, फिर पीछे धागा करना है, फिर एक फंदा बढ़ाना है। अभी आगे धागा कर लेना है। अभी यहाँ से 15 फंदा
उल्टा बुनाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैं एक पिन लगा ली, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। फिर देखिए यहाँ पर भी हमको धागा बढ़ाना है, पीछे धागा को करना है, फिर यहाँ पे एक फंदा लेना है, फिर आगे करना है, फिर दो फंदे को उल्टा बुन लेना है। अभी देखिए हम रॉन्ग साइड आ गए, रॉन्ग साइड से एक भी फंदा नहीं बढ़ाना है, ऐसे पूरा फंदा उल्टा बुन लेना है, वहाँ तक बुन लेना है, फिर मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। ऐसे फंदा को उठा लेना है, फिर गांठ बुनना है, ऐसे ही हमको मार्क जहाँ तक लगा है वहाँ तक बुन कर आते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ मार्क तक आ गए हम, यहाँ एक बुन लिए, फिर पिन को इधर ले लिए, फिर इसको भी बुन लिए, फिर इसको भी बुन लिए, फिर पिन को इधर ले लिए। अभी कंटिन्यू हमको ये टोटल बुन लेना है, फिर आपको देखिए अभी मैं राइट साइड आ गई हूँ। अभी फंदा को ऐसे उतार लेना है, अभी हमको उल्टा बुनना है, फिर धागा को पीछे करते हैं, यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाते हैं, फिर धागा को आगे करेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू उल्टा बुनते जाएंगे यहाँ तक। यहाँ तक बुन लिए, देखिए अभी यहाँ पे फंदा बढ़ाना है हमको। अभी पीछे धागा किए, एक फंदा बढ़ा लिए, फिर मार्क को इसमें ले लिए, फिर आगे धागा किए, फिर इसको बुने, इसको भी बुन लिए, फिर इस मार्क को इधर कर लिए पिन को, फिर पीछे धागा किए, फिर यहाँ फंदा बढ़ाए, फिर आगे धागा किए, फिर उल्टा बुने। अभी यहाँ से कंटिन्यू हमको यहाँ तक पूरा बुन लेना है, फिर यहाँ पे आकर हमको एक फंदा बढ़ाना है। अभी मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ, अभी रॉन्ग साइड से ऐसे ही सारा कंप्लीट कर लेना है, फिर राइट साइड में आएंगे तो एक यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, एक फंदा यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पे, एक फंदा यहाँ पर बढ़ेगा, टोटल चार फंदा बढ़ेगा राइट साइड से। अभी हमारा दो सिलाई में आठ फंदा बढ़ गया है, अभी 12 फंदा और चाहिए हमको, तो अभी 3 लाइन और बनाना है, यानी 6 स्टिक और बुनेंगे तो 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा। 3 लाइन में हमको 12 फंदा और बनाना है, याद रखिएगा रॉन्ग साइड से नहीं बढ़ाना है, बस राइट साइड से बढ़ाना है। पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 लाइन मेरा कंप्लीट हो गया, एक दो तीन चार पाँच,
यानी दो स्टिक बिनने के बाद एक बनता है, यानी 10 स्टिक हम बिने हैं तो 5 दिख रहा है, एक रॉन्ग साइड से एक राइट साइड से बुनने के बाद से एक होता है। यहाँ पर मेरा 20 फंदा ऐड हो गया है, पहले का 35 था और 20 फंदा अभी ऐड हुआ, टोटल मेरा का मेरा 55 फंदा यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हमको फंदों को डिवाइड करना है, 18 फंदा इधर 18 फंदा इधर, बीच में जो भी फंदा बचता है आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं डाली हूँ। दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा, ऐसे करके मैं बुनी हूँ। अगर मोती भी लगाना है तो आप पूरा बुनने के बाद ऊपर से भी मोती लगा सकते हैं, पर मैं इसी में लगाई हूँ। बुन कर दिखाती हूँ कैसे बुनाएगा। यहाँ से धागा को काट लेना है और इस धागा को काट कर इसी में हमको मोती को पिरो लेना है। देखिए मैं इतना सारा मोती पिरो ली हूँ, अभी हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे ले लेना है और उस पहले वाले फंदे को इसे सीधा उठा लेना है, फिर आगे धागा को करना है, फिर उल्टा बुनाई करना है। उल्टा बुनाई हो गया, अभी हम इन दोनों को एक ही में जॉइंट कर देना है, यानी एक नॉट लगा देना है। मैंने नॉट लगा दिया, दो बुन ली हूँ मैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अभी मेरा 18 हो गया। अभी हमको यहाँ पे पीछे धागा करना है, दो बुनना है, फिर आगे करना है, यहाँ पे हमको मोती लगाना है, फिर हमको उल्टा बुनाई कर लेना है, फिर इसको भी उल्टा बुनाई कर लेना है, फिर यहाँ पे हमको एक मोती लेना है, एक दो, दोनों साइड मोती लगाए हैं सेम वैसे ही, एक यहाँ पर भी हम मोती ले लेंगे, पीछे धागा कर लिए, फिर सीधा दो बुनेंगे, फिर धागा को हम यहाँ पे मोती लेते हुए धागा को आगे कर लेंगे, यहाँ पे सीधा बुन लिए, फिर एक और सीधा बुन लिए, फिर यहाँ पर भी हम मोती लगाएंगे, फिर धागा को पीछे किए, फिर दो सीधा बिनेंगे, ऐसे ही हमको 18 फंदा इधर से काउंट करके देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। दो सीधा दो उल्टा, दो सीधा दो उल्टा, ऐसे करके मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। अभी जो मेरा 18 फंदा बच गया है उसको हम वैसे ही उल्टा बुनाई कर लेंगे। देखिए मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अभी मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ। अभी एक फंदे को इसमें उतार लेती हूँ, फिर यहाँ से काउंट करके हमको 18 फंदा उल्टा बुन लेना है, फिर बीच में सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा ऐसे बुनाई करना है। यहाँ पे हमको मोती नहीं लगाना है, यहाँ से हमको लास्ट तक फिर 18 फंदा उधर उल्टा बुन लेना है। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
देखिए रॉन्ग साइड मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं राइट साइड आ गई हूँ। इस लाइन में इधर मोती नहीं लगेगा। यहाँ तक हमको यहाँ तक 18 फंदा काउंट करके उल्टा बुन लेना है, फिर दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा, ऐसे करके यहाँ तक बुनना है, फिर यहाँ से 18 फंदा उल्टा बुन लेना है। इधर से सारा वैसे ही सेम टू सेम बुनना है। फिर यहाँ पर आएंगे तो हमको मोती लगाना है। तीसरका लाइन में हमको मोती लगाना है। अभी दो लाइन मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा दो लाइन कंप्लीट हो गया है। अभी मैं राइट साइड आ गई हूँ। अभी हमको यहाँ से और यहाँ तक 18 फंदा उल्टा ही बुनना है। देखिए यहाँ पर मेरा 18 फंदा कंप्लीट हो गया है। अभी धागा को हम पीछे लेते हैं, फिर दो सीधा बुनते हैं, फिर यहाँ पे हमको मोती लगाना है। यहाँ पर हम मोती लगाते हैं, फिर इसको उल्टा बुनते हैं, फिर इसको भी उल्टा बुनते हैं, फिर यहाँ पर भी हम मोती लगाते हैं। मोती लगा लिए। अभी धागा को हमको पीछे करना है, फिर दो फंदा सीधा बुनना है, फिर दो फंदा हमको उल्टा बुनना है। अभी यहाँ पे उल्टा, यहाँ पर भी हमको मोती लगाना है। यहाँ पे धागा को आगे कर लेंगे हम, फिर यहाँ पर भी हम एक मोती लगाएंगे और उल्टा बुन लेंगे, फिर इसको भी उल्टा बुन लेंगे, फिर यहाँ पर भी हम मोती लिए, अभी पीछे धागा किए, फिर दो सीधा बुन लिए, फिर आगे धागा किए और यहाँ पर भी हम मोती लेंगे। यहाँ तक हमको लगा लेना है, फिर यहाँ से हमको यहाँ तक उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ पर मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अभी 18 फंदा फिर वैसे ही हमको उल्टा बुन लेना है। देखिए मैं रॉन्ग साइड से भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं राइट साइड आ गई हूँ। इस लाइन में हमको मोती नहीं लगाना है। यहाँ से यहाँ तक उल्टा, फिर दो सीधा, फिर दो उल्टा, ऐसे करके बुनना है। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। फिर रॉन्ग साइड से भी हमको टोटल पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर राइट साइड में आएंगे तो हमको मोती लगाना रहेगा। यहाँ तक दो सिलाई मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। दो लाइन कंप्लीट करने के बाद से देखिए मैं 18 फंदा ये भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। उल्टा बुनना था, मैं बुन चुकी हूँ। अभी यहाँ पे फंदा उन धागा को पीछे करेंगे, फिर दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे हम मोती लेंगे, धागा को आगे करेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर इसको भी उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ पर भी हम मोती लगाएंगे, फिर धागा को पीछे लेंगे, फिर यहाँ पे दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे हम मोती लेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर इसको भी उल्टा बुन लिए, फिर यहाँ पे हम मोती लेंगे, धागा को पीछे लिए, दो फंदा सीधा बुने, यहाँ पर भी हमको मोती लेना है, उल्टा दो बुन लिए, एक दो, फिर यहाँ पे हम मोती लेंगे, फिर यहाँ पे दो सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पर भी हम मोती लेंगे, फिर यहाँ पे मोती लेंगे,
अभी दो फंदा हम सीधा बुनेंगे। अभी ये 18 फंदा ऐसे ही उल्टा बुन लेना है। अभी ये मोती वाला लाइन मेरा कंप्लीट हो गया, 3 लाइन था, देख सकते हैं आप, 1 2 3, 3 लाइन कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर इधर से भी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए मेरा रॉन्ग साइड से कंप्लीट हो गया है, मैं राइट साइड आ गई हूँ। अभी यहाँ से यहाँ तक 18 फंदा जो भी है हमको उल्टा ही बुनना है। फिर यहाँ पर आते देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये 18 फंदा भी मैं उल्टा बुनाई कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पे फंदा को घटाना है, 2 फंदे को एक करना है, आगे से स्टिक को लगाएं, फिर जैसे सीधा बुनाई करते हैं वैसे करें। इसमें भी हमको 2 को एक करना है। यहाँ पे 2 उल्टा 2 सीधा 2 जितना फंदा है उन सभी को हमको एक एक करना है, 2 का एक करना है, इसको भी हम कर लेंगे। यहाँ तक हमको करना है, इसको भी कर लेते हैं। अभी देखिए मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी 2 का एक जहाँ तक डिजाइन था मेरा वहाँ तक कर ली हूँ। अभी इसको ऐसा ही उल्टा बुन लेना है, इसमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है, इसको कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं रॉन्ग साइड आ चुकी हूँ, फिर यहाँ पे मैं उल्टा 18 फंदा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पे हमको वैसे ही सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुनना है, देख सकते हैं इधर सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुनना है। जो भी 2 का एक हुआ था उन सभी पे इधर से देख देख कर हाँ सीधा पे सीधा और उल्टा पे उल्टा आपको बुनना है। राइट साइड से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको उल्टा कहाँ बुनना है सीधा कहाँ बुनना है। अभी मेरा देखिए कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे जो 18 फंदा है उसको वैसे ही बुन लेना है पूरा उल्टा। देखिए मैं राइट साइड आ गई हूँ, राइट साइड का बुनाई कर रही हूँ। जो 18 फंदा है उसको मैं बुन रही हूँ, इसको कंप्लीट करने के बाद से अभी जो मैं 2 का एक की थी उन सभी को फिर से 2 का एक करना रहेगा। अभी देखिए इन दोनों फंदे को हमको एक करना है, धागा को पीछे ले ली, फिर इन दोनों को एक में फंसाए, फिर एक निकाली, फिर इन दोनों को भी एक निकाली, फिर इन दोनों को भी एक की, फिर इन दोनों को भी एक कर ली। अभी देखिए मेरा माइनस हो गया इतना फंदा, अभी ये एक बचा है इसको हम वैसे ही बुन लेंगे उल्टा। अभी यहाँ तक हमको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हम कंप्लीट करके फिर इधर से वैसे ही पूरा टोटल बुन लेना है उल्टा। यहाँ देख सकते हैं हम राइट साइड आ गए हैं। अभी यहाँ पे हमको
सीधा फंदा उतारना है, फिर इसको भी सीधा ही बुनना है। फिर यहाँ पे धागे को आगे करेंगे, फिर यहाँ पे दो फंदे में स्टिक को डालेंगे और यहाँ पे सीधा बुनाई करेंगे। धागा आगे रहेगा, ध्यान रखिएगा, सीधा बुनाई करेंगे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, एक माइनस हुआ और एक प्लस हुआ, ऐसे ही इसको भी बुनेंगे। देखिए एक यहाँ पे घट रहा है तो फिर एक बढ़ रहा है। यहाँ पे हमको नेट बनाना है, यहाँ से ये पूरा लाइन ऐसे ही हमको बुनना है। हर फंदे को, डबल फंदे को एक करना है, देख सकते हैं आप, ऐसे ही इसको भी बुनते हैं। धागा के आगे रखने हैं, देखिए यहाँ पे दो फंदा गिर रहा है तो एक यहाँ पर बढ़ रहा है, एक दो हो गया। यहाँ तक हमको बुन लेना है ऐसे ही से। देखिए यही बनाना है हमको, यहाँ पे जाली पड़ा है एक धागा डालने के लिए। धागे को आगे कर लिए, अभी दो बुन कर निकाल लिए। ऐसे ही हमको ये सारा सिलाई बनाना है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं राइट साइड से सारा बुन ली हूँ, अभी रॉन्ग साइड आ गई हूँ। रॉन्ग साइड से इसे सीधा उतार लेना है, फिर हमको सारा फंदा उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ पे एक जाली पड़ेगी, ऐसे ही सारा हमको सारे फंदे को रॉन्ग साइड से सारे फंदों को बुन लेना है। देखिए रॉन्ग साइड से मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं राइट साइड आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे जाली पड़ गया है, देखिए हर दो फंदे पे जाली दिख रहा है। अभी हमको राइट साइड में आ गई हूँ, अभी इधर से हमको राइट में सीधा सारा बुनाई करना है, फिर इधर से उल्टा बुनाई करना है, फिर राइट साइड से सीधा बुनाई करना है, फिर रॉन्ग साइड से उल्टा बुनाई करना है। यानी चार सिलाई हमको बुनना है, दो सिलाई सीधा, दो सिलाई उल्टा। ऐसे सारे फंदे को हमको सीधा बुन लेना है, फिर उल्टे साइड से उल्टा बुन लेना है। देख सकते हैं ये मेरा चार लाइन कंप्लीट हो गया है, ये राइट साइड है। राइट साइड में देखिए सीधा दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें भी मैं दिखा रही हूँ सीधा ही। अभी हमको ये बनाना है, चलिए इसको बनाते हैं। हमको अब फंदे को डिवाइड करना है इस तरीके से, आधे पर से हम फंदे को सारा काउंट कर लेंगे। मेरे पास जितने फंदे हैं, मेरे पास 42 फंदे हैं, 21 फंदे इधर और 21 फंदे इधर। ऐसे सीधा ले लेंगे, फिर इस सारे फंदे को हमको अब उल्टा बुनना है। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह
तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस। देखिए मैं 21 फंदे बुन ली हूँ। अभी हमको यहाँ से यहीं से हमको मुड़ लेना है, यानी रॉन्ग साइड कर लेना है। अभी यहाँ से हमको उल्टा ही सारा बुन लेना है। इधर से हमको उल्टा बुन लेना है। आइए देखते हैं कितना लाइन हमको बुनना है। देखिए इसके जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 लाइन बुनना है हमको। 12 स्टिक बुनेंगे तो 6 लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 12 स्टिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 12 स्टिक मेरा कंप्लीट हो गया। अभी हमको इस फंदे को क्लोज करना है, यानी बंद करना है। कैसे हम बंद करेंगे? यहाँ पे हमको दो फंदे को एक बार एक स्टिक में डालना है, फिर यहाँ पे धागे को उल्टा बुनना है, दो को एक बनाए, फिर दोनों फंदे को स्टिक से नीचे गिराए, फिर इस फंदे को उसी स्टिक पे लिए, फिर इसको और इस फंदे में से एक लेकर फिर ऐसे ही दो बुनाई करेंगे तो मेरा बंद होते जाएगा। ऐसे ही हमको यहाँ तक बंद कर लेना है। देख सकते हैं आप, ऐसे ही हमको 21 के 21 फंदे बंद कर लेना है। यहाँ पे हमको एकदम हल्के हाथ से बंद करना है, नहीं लूज बंद करना है, नहीं एकदम टाइट बंद करना है। देख सकते हैं मेरा सारा फंदा यहाँ पे बंद हो गया है। सेम इसी के जैसे इसको भी बनाना है। देखिए यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है दोनों साइड का। अभी ये मेरा राइट साइड है। अभी हमको इसे फोल्ड करना है, रॉन्ग साइड से हमको स्टिचिंग करना है। देखिए हमको स्टिचिंग कैसे करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है। आप चाहें तो सुई से भी सिलाई कर सकती हैं। मैं यहाँ पे क्रोशिया से सिलाई कर रही हूँ। यहाँ से और यहाँ तक पूरा ही सिलाई करना है। इस हाथ में ऐसे धागे को लपेट लेंगे, फिर यहाँ पे ये जो चैन दिख रहा है उसमें से एक चैन को उठाएंगे, एक एक चैन को उठाएंगे। यहाँ से दोनों तरफ से एक एक चैन को उठाकर और यहाँ पे ऐसे फंदा लेंगे। यहाँ पे एक हम चैन लेंगे, फिर दूसरे चैन को उठाएंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हमको यहाँ से और यहाँ तक बंद कर लेना है। देखिए मैं पूरा सिलाई कर चुकी हूँ यहाँ से यहाँ तक। अभी मैं इसको सीधा करती हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखेगा।
देखिए कितना प्यारा बेबी सू रेडी हो गया। अभी हमको इसमें व्हाइट धागा से डिजाइन करना है इस तरीके से। डिजाइन करते हैं व्हाइट धागा मैं ले ली हूँ। यहाँ पे चैन में से क्रोशिया को डालना है, फिर ऐसे एक फंदा लेना है, फिर एक छोटा सा चैन लेना है, फिर दूसरे वाले चैन में डालना है, फिर ऐसे करके हमको यहाँ पर हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर दूसरा वाला चैन में डालेंगे, फिर यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हमको चारों तरफ यहाँ से पूरा राउंडिंग करते हुए यहाँ तक लाना है। इस तरीके से देख सकते हैं चारों तरफ से राउंडिंग करके लाना है हमको। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हम इसको कंप्लीट कर लिए। देखिए चारों तरफ से कंप्लीट हो गया ये। अभी हमको ये वाला लाइन बनाना है, नीचे चैन बनाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये वाले उल्टा ये दिख रहा है, इसी में हमको उसको बनाना है। देखिए यहाँ से हम इस लाइन को ऐसे लेंगे, यहाँ से एक फंदे में डालेंगे, यहाँ से हमको व्हाइट धागा को निकालना रहेगा। फिर दूसरे वाले फंदे में डालेंगे, हर फंदे में से उठाना है फंदे को। देख सकते हैं आप हर फंदे में से यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। फंदा नहीं लेना है, ऐसे ही इसी को स्लिप स्टिच कर देना है। देख सकते हैं आप हर फंदे में यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ से। देखिए ये बनकर तैयार हो गया, कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है। अभी हमको इसमें बांधने वाला रस्सी लगाना है, इसके जैसे इसमें पम्पम भी लगाना है। बनाते हैं रस्सी। यहाँ पे व्हाइट धागे में एक नॉट लगा लेना है, फिर यहाँ से एक फंदा लेकर ऐसे ढीला हाथ से हमको एक चैन बनाना है, एक चैन बना लेना है। आपको जितना लंबा चाहे उतना लंबा चैन बना सकती हैं। हमको अब रस्सी को इस होल में लगाना है, जितना जाली दिख रहा है उसमें से इस रस्सी को निकाल लेना है। हर जाली में से इस रस्सी को निकालना है। देखिए मैं इस रस्सी को लगा ली हूँ। अभी हमको ये पम्पम बनाना है, पम्पम भी बनाना बता रहे हैं आपको आसानी से। हम एक कंघे लिए हैं, उस कंघे में हमको देखिए धागे को लपेटेंगे,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ स्टिक में हम लगाएंगे। और यहाँ पे आपको जितना मर्जी उतना राउंड लपेट सकते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा धागा एक मैं कट कर ली हूँ। अभी यहाँ से बीचों बीच में से, यानी चार स्टिक इधर चार स्टिक इधर, बीच में से इसको हमको निकालना है। इसको निकाल कर यहाँ पे बीच में से निकाल कर, और यहाँ पे हमको एक नॉट लगा देना है। हमको यहाँ पे इस नॉट को बहुत टाइट लगाना है ताकि धागा निकले नहीं। इसको कट कर लेना है, हमको इस तरीके से कट कर लेना है, छोटा छोटा कर लेना है। देखिए ये मेरा कट गया है। अभी इसको ऐसे करके हल्का हाथ से इसको रोल करना है। कुछ इस तरीके से इसको रोल करके इसको सेफ्टी पिन के मदद से हम उसको उस ऊन को फैला देंगे ताकि देखने में सुंदर हो जाए। अभी देखिए ये पम्पम मेरा रेडी हो गया है। अभी इसमें हमको लगाना है इस पम्पम को। हम पम्पम को लगा दिए। अभी देखिए ये मेरा शू फाइनली रेडी हो गया है। अभी हमें इसको यहाँ पे एक नॉट करेंगे, ऐसे नॉट लगाएंगे। देखिए मेरा सूट रेडी हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है ना। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।